हेलो एवरीवन, दिस इज शमचंद्र। वेलकम बैक टू नर्सिंग रिक्रूटमेंट अकेडमी। गाइस, वैकेंसी है पीजीआई चंडीगढ़ से ही, ठीक है। स्टाफ नर्सेस की वैकेंसी है एंड मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही पीडीएफ डाउनलोड करके लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, पीजीआई चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है एंड ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर 5 में देखिए स्टाफ नर्सेस की वैकेंसी दिखा रहा है। मैं पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेता हूँ एंड ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। ये देखिए पीडीएफ, स्टाफ नर्सेस की वैकेंसी है इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट पीजीआई चंडीगढ़ में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के तहत एक जो है वैकेंसी निकाला गया है पीजीआई चंडीगढ़ से। स्टाफ नर्सेस की पोजीशन है एक वैकेंसी है, हालांकि एक वैकेंसी है लेकिन सैलरी जो है इसका अट्रैक्टिव है। 31,500 रुपीज़ आपकी सैलरी पर मंथ रहेगा। कौन अप्लाई कर सकते हैं? जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल्सो एएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिजर्वेबल रहेगा 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, उन्हें जो प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ये कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं आते हैं तो फिर फ्रेशर कैंडिडेट को भी जो है रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए चांसेस भी फ्रेशर का है, आप जरूर इंटरव्यू अटेंड कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे सबमिट देयर सीवी इन द रूम नंबर 4035 फोर्थ फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी पीएन चुटानी ब्लॉक टिल 12 PM 6 मई 2023 तक जो है आप अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है, आप बाई हैंड या फिर पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, ओनली बाई हैंड, इसलिए पोस्टल भी जो है आप भेज सकते हैं, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, आप सेंड कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। एंड अप्लाई करने के बाद, सीवी सेंड करने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 10 मई 2023 को। आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। एंड इन केस ऑफ नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एक्सीड्स 30 times द नंबर ऑफ सीट्स, देन ए स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट वुड बी हेल्ड ऑन द सेम डे एंड फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर इंटरव्यूज वुड बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन पीजीआई वेबसाइट। यानी कि अगर 30 times तक बराबर की कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो फिर एक जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एंड जो भी सिलेक्ट होगा एग्जामिनेशन में हाईस्ट रैंक रहेगा उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।